और प्रशांत किशोर ने कभी भी अपने स्टैंड को क्लियर नहीं किया। दिन के उजाले में कुछ कहते हैं और रात के अंधेरे में कुछ करते हैं। और कहीं ना कहीं नए कानून से जो नए स्वरूप में लोगों को न्याय मिल पाएगा, लोगों को न्याय की प्रक्रिया को त्वरित किया जा सकेगा। स्पष्ट रूप से कहा था कि चाहे नगर आयुक्त हों या उसके अंदर के फील्ड ऑफिसर हों, सबको कम से कम 1 से 2 घंटा फील्ड में रहना है, लोगों के जो समस्याएं हैं उसको भी समझना है। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब तक आप खुद मूव नहीं करेंगे सिस्टम दुरुस्त नहीं रहता है। तो मेरा मानना है कि उसकी पूरी तरह से नगर आयुक्तों को निर्देश दिया गया है। इसी तरह का एक कार्यपालक पदाधिकारी जो नगर परिषद और नगर पंचायत में है उनको भी अगले 1 हफ्ते के अंदर बैठक करके उनको भी पूरी तरह से निर्देशित किया जाएगा। खुद भी अब आज कुछ बोलेंगे कल वो क्या बोलेंगे, तो उनके बयान पर कोई भी टिप्पणी करना मेरा मानना है कि अभी भी नासमझी होगी। और प्रशांत किशोर ने कभी भी अपने स्टैंड को क्लियर नहीं किया। दिन के उजाले में कुछ कहते हैं और रात के अंधेरे में कुछ करते हैं। विस्तारीकरण पर लगातार हम लोग काम करें, उसके फर्स्ट फेज सेकेंड फेज इस तरह से उसको डिवाइड किया गया पटना के लिए, और साथ ही साथ नए मेट्रो के विकल्पों पर भी विचार किया गया जिसकी सैद्धांतिक सहमति राज्य सरकार ने दे दी। अब हम लोग का पटना मेट्रो जिसको हम लोगों ने टारगेट लिया है फर्स्ट फेज के लिए वो 26 का है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको और जल्दी जनता के लिए सुलभ किया जा सके। नितिन नवीन जी, देखिए आज तक ये जो कानून पुराने कानून थे 40 साल 50 साल पुराने धाराओं में, और कहीं ना कहीं नए कानून से जो नए स्वरूप में लोगों को न्याय मिल पाएगा, लोगों को न्याय की प्रक्रिया को त्वरित किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात है जो कई चीज़ें जो पुराने कानून अप्रासंगिक होते जा रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं नए कानून के तहत उसको प्रासंगिक किया जा सकेगा। तो मेरा मानना है कि आज देश की जनता को न्याय का साथ जो हमारा संकल्प रहा है कि हम पूरी तरह से देश को न्याय के साथ जोड़ कर काम करेंगे, विकास की योजनाओं में लेके जाएंगे। आज एक हम कह सकते हैं सुनहरा दिन है जो इस देश में संविधान और हमारे भीमराव अंबेडकर जी की जो सपना था, जो कल्पना था, जो उसको कल्पना को साकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी।